वेलकम टू द आशिमा शो। आज की वीडियो में मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक को कवर करूंगी, कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। ये बात तो साफ है कि जान और जहान के संतुलन को बनाने के लिए जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी, दुनिया भर में लाइफ्स बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। ऐसे में सबका इस वायरस के एंटीडॉट को लेकर सवाल है, और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कब तक कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी, बल्कि ये है कि कब तक वो वैक्सीन अप्रूव होकर वाइड स्प्रेड यूज के लिए अवेलेबल हो पाएगी। साथ ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के कितने करीब है हम, क्या भारत भी इसका टीका बना रहा है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब बिल्कुल सरल भाषा में मिल जाएगा आपको आज की मेरी इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में घंटी भी बजा देना प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं कि कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक वैक्सीन के रिसर्च स्टेज से लेकर सप्लाई स्टेज तक 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर इस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं है। 2400 घंटे काम चल रहा है, इसके बावजूद भी रिपोर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी भी करे तो अगले साल 2021 जून तक ही आ पाएगी। तो मतलब वैक्सीन को आने में अभी कम से कम एक साल का वक्त है। अब देखते हैं कि इस वैक्सीन को बनाने की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है स्टेज 1, जिसमें किया जाता है शोध, यानी कि सारा रिसर्च वर्क। फिर आती है स्टेज 2, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। दुनिया भर में बन रही मैक्सिमम वैक्सीन्स अभी इसी स्तर पर है। फिर आती है स्टेज 3, जिसमें होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। ये स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेज है। इस स्टेज पे इंसानों पर ट्रायल्स होने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज के आगे 3 फेजेस हैं। इसके पहले चरण यानी कि फेज 1 में इसको वॉलंटियर्स पर आजमाया जाता है। इसमें स्टडी की जाती है कि स्वस्थ यानी कि हेल्दी लोगों पर जिस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, ये वॉलंटियर्स उससे पीड़ित नहीं होते। ये टेस्ट किया जाता है 10 से 30 वॉलंटियर्स पर। इसको करने का मकसद बस यही जानना होता है कि कहीं उस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम पर कैसे रिएक्ट कर रही है। इस स्टेज में नॉर्मली 1 से 2 साल लग जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 3 का फेज 2। इसमें लक्षण वाले लोग या वो एज ग्रुप जिसको वो बीमारी ज्यादा इफेक्ट करती है, उन पर ट्रायल्स किया जाता है, यानी कि रिस्क ग्रुप। ये किया जाता है टू फर्दर इवेल्युएट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। इस स्टेज में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अब आती है स्टेज 3 की फेज 3, यानी कि तीसरा चरण। इसमें हजारों लोगों की तादाद में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हुई स्टेज 3 की तीनों फेजेस। इसके बाद आती है स्टेज 4। ये वो चरण है जब वैक्सीन अप्रूव्ड और सर्टिफाइड हो जाती है। इस स्टेज पर वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है और मार्केट्स तक इनकी सप्लाई होती है। अब बात करते हैं कि दुनिया भर में बन रही वैक्सीन्स अभी कौन सी स्टेज में है। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में शोध हो रही 70 वैक्सीन्स में से 3 ही अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच पाई हैं। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द हांगकांग लिस्टेड कैंसिनो बायोलॉजिक्स ही अभी तक स्टेज 3 के फेज 2 में पहुंच पाई हैं। बाकी अभी प्री क्लिनिकल स्टेज यानी कि स्टेज 2 में है। इसका मतलब बाकी की 67 वैक्सीन्स का अभी जानवरों पर ही टेस्ट चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैक्सीन को अगर जल्दी से जल्दी भी रिलीज किया जाए तो आने का एस्टीमेट अभी बताया जा रहा है 10 महीने से लेकर 1 साल तक का। अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनाने की रेस में भारत कहाँ है। जैसे कि फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोरोना वायरस महामारी से लड़ने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी उसी जज्बे से वायरस का क्योर खोजने के लिए कतार में हैं। इस वक्त दुनिया भर में 70 कंपनीज कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलपमेंट फेज में हैं। उनमें से 3 इंडियन वैक्सीन मेकर्स जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायडस कैडिला और भारत बायोटेक भी वैक्सीन बनाने की रेस में हैं। आमतौर पर 10 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स में से केवल एक ही रेगुलेटरी अप्रूवल तक पहुंचती है। इसीलिए जितना ज्यादा कंपनीज वैक्सीन बनाने की ट्राई करेंगी, सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। भारत की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट COVID-19 की वैक्सीन बनाने की प्री क्लिनिकल फेज में है, और इस कंपनी को उम्मीद है कि वैक्सीन 2022 तक तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कंपनी US बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोडाजेनेक्स के साथ मिलकर इस पर शोध कर रही है, जिसमें जानवरों के ऊपर टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। वैक्सीन के आ जाने के बाद सवाल आता है कि कब तक उसकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहेगी।
अगर इस वैक्सीन को एक बार लेने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है तो दुनिया के लिए इस वक्त इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि कॉमन कोल्ड और बुखार वाली वैक्सीन आमतौर पर 1 से 2 साल की ही इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रोवाइड करती हैं, जो इशारा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को COVID-19 के सालाना टीके लगवाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।